Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study aphorism number 26. So this 26th aphorism is so important because yahan pe is pe nature's law prove hua hai aur Hahnemann sir ne nature's law ke bare mein isme describe kiya hai. So what exactly it is? So basically aise kaha jata hai ki na organ of medicine actually यहाँ से स्टार्ट होता है. मतलब अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा था दैट वाज सो बेसिक ऑफ होम्योपैथी. बट आफ्टर दिस अफोरिज्म या फिर फ्रॉम दिस अफोरिज्म सब कुछ आपको एडवांसली सीखने मिलेगा, नया सीखने मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज सिक्स्थ अफोरिज्म. आई विल रीड इट फॉर यू गाइज. सो एज दिस इज द सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर सैमुअल हैनेमन. सो ये जो अफोरिज्म है ना यहाँ से लेके यहाँ तक दैट यू हैव टू बाय हार्ट बिकॉज ये वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज वेल एज फॉर 2 मार्क्स ये भी पूछा जाता है. फिर मतलब अभी किसी स्टेट्स में ना थ्योरीज रहती है लाइक 2 मार्क्स के लिए यू हैव टू आंसर ब्रीफली. बट मुझे थ्योरी था लेकिन अभी मेरे बाद में के बैच से लाइक डीम्ड बैच से या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के बैच को अभी एमसीक्यूज आ गए. तो इफ देर इज एमसीक्यूज देन अदरवाइज फॉर द लॉन्ग आंसर यू हैव टू राइट दिस अफोरिज्म कंपल्सरी एट द टॉप ऑफ द आंसर एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस अफोरिज्म. सो मेक श्योर दैट यू शुड लर्न दिस लाइन्स. सो आई विल रीड इट फॉर यू गाइज एंड कीप दिस असाइड. या सो अफोरिज्म नंबर 26. A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one if the latter is very similar to the former in its manifestation. I'll read it for you guys again. आपको शायद पहली बार रीड करने से समझ में नहीं आया होगा बिकॉज इट इज क्वाइट ट्रिकी. बट फिर से आपको इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है. आई विल शो यू. A weaker dynamic affection मतलब क्या? तो weak vital force या फिर weak energy. Dynamic affection, okay? Weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one. मतलब a weaker dynamic affection is removed permanently by a stronger one if the latter is very similar to the former in its manifestations. Means ये stronger वाला जो है ना उसको latter कहा है and former मतलब ये जो है ना weaker इसको former कहा है. ठीक है, तो अभी इन सब को हम लोग collectively read करेंगे. A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one if the latter is very similar to the former in its manifestations. So what exactly you mean in this aphorism? What exactly Hahnemann sir want to tell you that? Dekho, what is the dynamic affection? So dynamic affection matlab kya hota hai? So see, I have written over here. This law is only applicable to the vital phenomena and not the material phenomena. सो डायनेमिक अफेक्शन मतलब क्या? तो है ना जो भी कोई डायनेमिक रेंज या फिर वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट हुआ है दैट इज ऑन अ डायनेमिक प्लेन. ठीक है, इट इज कैन नॉट नाइदर बी सीन नाइदर बी टच बट इट कैन बी फील. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ एक्शंस इज कॉल्ड एज डायनेमिक अफेक्शंस. मतलब वाइटल फोर्स में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस अगर हुआ तो इट विल शोज मतलब वो कैसे शो करेगा? तो डायनेमिक अफेक्शन कैसे शो करेगा? तो साइंस एंड सिम्टम्स पे. ठीक है, तो दैट साइंस एंड सिम्टम्स कम्स फ्रॉम वेयर? ड्यू टू द डिरेंजमेंट ऑफ अ वाइटल फोर्स. ठीक है, सो डायनेमिक अफेक्शन मीन्स देयर इज सम डिरेंजमेंट इन अ वाइटल फोर्स एंड इट थ्रोज सम सॉर्ट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स और उसको हम डायनेमिक अफेक्शन कहेंगे. ठीक है, थोड़ा भी अगर डायनेमिक फोर्स को या फिर हमारे वाइटल फोर्स को धक्का पहुंचता है तो वो साइंस एंड सिम्टम्स शो करते हैं एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज डायनेमिक अफेक्शन. द लॉ इज ओनली एप्लीकेबल मतलब ये जो नेचर्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किस चीजों को है? तो वाइटल फेनोमेना को है. मतलब वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट से जो भी साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही लागू पड़ता है.
मटेरियलिस्टिक फिनोमिनॉन को नहीं लागू पड़ता। मतलब क्या कि मटेरियलिस्टिक फिनोमिना मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई भी अदर लाइक वुंड कटिंग, एनीथिंग एनीथिंग अदर एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस को वो लागू नहीं पड़ता, सिर्फ इंटरनल डिरेजमेंट्स को ही लागू पड़ता है। मतलब देखो अभी आपको है ना एक्सटर्नल इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो दैट इज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। तो वो किसी चीज की वजह से आपके वाइटल फोर्स को डिरेंजमेंट हुई है, तो वो डिफरेंट रहा। तो ये नेचर्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वाइटल फेनोमेना को ही लागू होता है। देन लेट्स रीड, टू सिमिलर मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड बट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ मीट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वीकर मैनिफेस्टेशन इज कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। टू सिमिलर मैनिफेस्टेशंस क्या, तो है ना बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, दो बीमारियां एट द सेम टाइप्स की बड़ी बड़ी बीमारियां जिसमें टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें फंक्शन का हैम्परिंग है, जिसमें क्या बोलते हैं ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट है, किसी भी वाइटल एनर्जी को या फिर वाइटल ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट है, वो सिमिलर मैनिफेस्टेशंस माना जाएगा। एट द डिफरेंट काइंड, ठीक है, डिफरेंट काइंड मतलब टीबी किसी अलग इसको होता है, लाइक किसी भी चीज का टीबी हो गया, लंग्स का हो गया, स्टमक, एनीवेयर टीबी का, ठीक है, बोन्स का टीबी हो गया, एनीवेयर, और कैंसर भी बहुत सारे टाइप्स के, ल्यूकेमिया बोल दो, माउथ ओरल कैंसर या फिर एनी कैंसर, ठीक है, स्टमक कैंसर, सो वो टाइप कैंसर, दैट इज टू डिफरेंट काइंड के जो मैनिफेस्टेशन है। और इक्वल स्ट्रेंथ मतलब टीबी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है और कैंसर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है। मीट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये एक ही आदमी में ये दोनों मैनिफेस्टेशन हुआ है, तो द वीकर मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली रिमूव। अगर इसमें टीबी बहुत ज्यादा वीक है कैंसर से, ठीक है, कैंसर के सेल्स बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और टीबी का ना इतना साइंस सिम्टम्स नहीं हो रहा है, वो सबसाइड हो रहे हैं, तो टीबी विल बी क्योर्ड अगर उसको हम कुछ ना भी करें ना, दैट टाइम दैट विल ऑल्सो गेट क्योर्ड, बिकॉज वाई, तो है ना कैंसर सेल्स इतने ज्यादा ग्रो फास्ट कर रहे हैं कि है ना टीबी को मतलब टीबी का जो एक्शन है, टीबी का जो साइंस एंड सिम्टम्स है, वो बहुत वीक हो रहा है। सो हमें आदमी में पता ही नहीं चलेगा कि उसको कैंसर भी है, टीबी भी है, उसको सिर्फ हम लोग कैंसर ही डिटेक्ट करते चलेंगे, बिकॉज कि है ना, नहीं तो वाइस वर्सा, टीबी दिखेगा कैंसर नहीं दिखेगा, मतलब टीबी के साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ज्यादा थ्रो होंगे, कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ज्यादा थ्रो नहीं होंगे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। तो अगर दो सिमिलर डिसीजेस मिलते हैं तो एक डिसीज जो स्ट्रॉन्गर है वो रहता है, और है ना जो वीकर डिसीज है तो वो वीकर डिसीज चला जाता है बॉडी से, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्गर डिसीज और स्ट्रॉन्ग होके फर्मली उस इंसान में बैठ जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस लाइन एक्सप्लेन, टू सिमिलर मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड बट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ मीट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वीकर मैनिफेस्टेशन इज कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन, ठीक है, तो ऐसा नेचर्स लॉ में बताया गया है। देन द सिमिलर एंड द स्ट्रॉन्गर डिसीजेस विच प्रोड्यूस बाय द होम्योपैथिक ड्रग विल ऑलवेज एक्सटिंग्विश द वीकर सिमिलर मायस्मेटिक डिसीज। मतलब क्या होता है, देखो अगर हाँ तो ये है ना कैसे एक्ट करेगा, एक मेडिसिन है कैंसर का मेडिसिन, हम लोगों ने उसको सिमिलिमम निकाल के उस इंसान को दे दिया, ठीक है, तो वो इंसान को हम जब भी कैंसर का मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन भी थोड़ा स्ट्रांग रहेगा क्योंकि वो कैंसर को ट्रीट कर रहा है, राइट, मतलब इंसान से वो कैंसर को निकाल रहा है, राइट, तो हम लोग है ना कैसे ट्रीट करते हैं उसको, तो वो मेडिसिन देने के बाद वो मेडिसिन का एक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा कैंसर के एक्शन से क्योंकि वो सिमिलिमम मैच हो रहा है। तो अभी इंसान क्या शो करेगा, धीरे धीरे वो मेडिसिन खाने के बाद वो इंसान में मेडिसिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगेगी, मतलब मेडिसिनल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगेगी एंड डिसीज की पावर उतनी ही रहेगी, लेकिन मेडिसिन की पावर ज्यादा होने से डिसीज की पावर चली जाएगी। वाई चली जाएगी, बिकॉज जैसे हम लोगों ने अभी यहां पे पढ़ा कि टीबी और कैंसर है, तो टीबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कैंसर थोड़ा सा वीक है उससे, तो टीबी कैंसर को खा रहा है, मतलब खत्म कर रहा है, ठीक है, तो है ना कैंसर के सिम्टम्स तो चले जाएंगे लेकिन टीबी के रहेंगे। सिमिलरली अगर एक इंसान में कैंसर है और हम लोग उसको
मेडिसिन दे रहे हैं तो मेडिसिन की एक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, तो मेडिसिन की एक्शन स्ट्रांग होने की वजह से मेडिसिन ये जो डिसीज एक्शन है या फिर वो कैंसर है उसको निकाल फेंकेगी बॉडी से, और सिर्फ मेडिसिन के ही साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे बॉडी में. और जैसे जैसे वो हम लोग वो मेडिसिन स्टॉप करते हैं और जैसे जैसे मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होने आता है, वो इंसान कंप्लीटली सिम्टमलेस हो जाता है. हाँ, तो ऐसे रहता है इसका क्योर और ऐसे रहता है नेचर्स का लॉ. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड. आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एज मच एज आई कैन. मैं फिर से एक बार बताती हूँ. देखो, अगर बॉडी में कैंसर है और यहाँ पे जैसे बताया है कि मतलब स्ट्रॉन्गर डिसीज जो है वो वीकर को निकाल फेंकता है बॉडी से, सिमिलरली अगर एक इंसान में कैंसर है और है ना, हम लोग उसके ऊपर हम उसको मेडिसिन देते हैं कैंसर का, तो वो मेडिसिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही, तो मेडिसिन स्ट्रांग होने की वजह से वो कैंसर को निकाल देती है, और सिर्फ क्या शो कर दिए, तो मेडिसिन के सिम्टम शो कर दिए. और जैसे जैसे मेडिसिन का मतलब इफेक्ट खत्म होने आता है, तो है ना, मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होने की वजह से धीरे 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 साइंस एंड सिम्टम्स भी वैनिश होने लगते हैं, और इंसान को क्या मिलता है, तो प्रॉपर क्योर मिलता है, हील मिलता है, या हेल्दी स्टेट में वो इंसान चला जाता है. दिस इज व्हाट द नेचर्स लॉ एक्सप्लेन्स यू. सो नेचर्स लॉ इज इटर्नल, इट डज नॉट चेंज विद द टाइम. ये जो लॉ है इसमें क्या चेंज होएगा, कैंसर का मेडिसिन स्ट्रांग रहेगा और कैंसर वीक रहेगा, तो स्ट्रांग मेडिसिन एक्ट करेगा वीकर फोर्स को निकालने के लिए. ठीक है, मतलब वीक कैंसर निकल जाएगा, स्ट्रांग मेडिसिन का इफेक्ट ही रहेगा बॉडी में, और फिर जैसे जैसे मेडिसिन बंद हो जाएगी वैसे वैसे ये मेडिसिन का इफेक्ट भी चला जाएगा बॉडी से. तो ये तो लॉ नेचर ने बनाया है, तो फिर है ना ये लॉ इटर्नल है, मतलब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसमें इसको कोई चेंज नहीं हो कर सकता, या फिर वो खुद भी चेंज नहीं होगा. सो इट इज कॉल्ड, इट इज इटर्नल, इट इज इटर्नल, इट डज नॉट चेंज विथ टाइम. सो नेचर्स लॉ इज गोइंग टू स्टे एज इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज, नोबडी कैन चेंज इट और टाइम आइदर. देन नेचर्स लॉ प्रूव्स दैट ओनली होम्योपैथिक लॉ इज क्यूरेटिव इन नेचर. मतलब ऐसे ना एलोपैथी में नहीं होता है, लाइक एलोपैथी में अगर आप लोग मेडिसिन देते हो कैंसर के ऊपर, तो है ना वो मेडिसिन इतना पावरफुली एक्ट नहीं करता है. लाइक यू नीड टू गिव द कीमोज, यू नीड टू गिव द शॉक ट्रीटमेंट, यू नीड टू गिव सो मेनी ब्लाबला ट्रीटमेंट्स टू अ पर्सन टू रिमूव द कैंसर, एंड समटाइम्स that medicine only shows the aggressive effect, that medicine only shows the side effects of itself, himself. तो इस वजह से ना medicinal effect चला नहीं जाता, बल्कि और patient को नुकसान मिलता है. पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता, मेडिसिन से किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं होता. हाँ, वट एवर द साइंस एंड सिम्टम्स विल बी शोन बाय द मेडिसिन ड्यू टू द मेडिसिनल इफेक्ट विल बी रिमूव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट वो इतने हार्मफुल नहीं रहेंगे जितने के एलोपैथी या फिर अदर पैथीज के रहेंगे. वो धीरे 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 क्योर होएगा, पर जरूर से होएगा. सो नेचर्स लॉ प्रूव्स दैट ओनली होम्योपैथिक लॉ इज क्यूरेटिव इन नेचर. सो एज इट इज सेड बाय हैनिमन, दिस इज द अफोरिज्म नंबर 26, दैट इज नेचर्स लॉ ऑफ क्योर. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज. And yeah, so this was it. This was today's aphorism, and it is most important aphorism till date. Agar kuch bhi basic se start karna ho, then everybody should know this basic aphorism number 26. So yeah, by heart this aphorism and understand this aphorism as everybody can, and read it from every possible books. And yeah, this was it. I hope you like this lecture. I hope it is helpful for you guys. If do, then do consider subscribing to my channel, and also like kar dena, share kar dena. So till then, bye.